रिश्ते के लिए यहाँ बुलाने से पहले इतना तो बता देते कि लड़की कितनी सांवली है। अरे आप उसकी एजुकेशन तो देखिए, कॉलेज में टॉप किया है उसने, और उसके बाल तो। बालों का क्या करना है, वो तो कल कट जाएंगे, पर रंग तो पूरी उम्र पक्का रहेगा ना। वैसे ये हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है दी। कुछ अच्छा नहीं है बाकी, कुछ अच्छा नहीं है। आपको पता है वो ना अपने बालों में वो खूबसूरती ढूंढती थी जो लोगों को ना उसके चेहरे पे उसके दिल पे नजर नहीं आती थी। बस बस अंजू बस। और दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने उसको। अरे गुस्सा में उस चिट्ठे पे आया था लेकिन पर... मालूम है निकल गया दिया पर, है ना, ताकि कोई और उस पर उंगली ना उठा सके। क्या कर दिया? गुस्सा मुझे भी आता है, दिल करता है जाके चड्डा का सर फोड़ दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि किस किस का सर फोड़ूंगा। ये लड़ाई हमारी तुम्हारी नहीं है अंजू, हम दिया की ढाल नहीं बन सकते, उसे अपने लिए खुद लड़ना होगा। और वो रोज लड़ती है इस दुनिया से, उसकी छोटी सोच से, और बहुत हिम्मत से लड़ती है वो। लेकिन जब वो तुम्हारी आंखों में ये डर, आस पड़ोसियों नाते रिश्तेदारों की बातों का असर तुम पर देखती है ना, उसकी हिम्मत भी टूट जाती है। इसीलिए आज उसने ये कदम उठाया, हमें उसकी ताकत बनना है अंजू, उसकी कमजोरी नहीं। दुनिया की बातों को भूलकर अपनी दिया को आसमान में उड़ने दो, छूने दो ऊंचाइयों को। अगर कहीं उसके बालों की तरह उसके पंख भी कट गए ना, बहुत जोर से गिरेगी वो, और तब हम भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। मैं सुखाऊं छत पे? हाँ तो ऐसा कौन सा काम बोल दिया तुमको जो पहाड़ टूट पड़ा? 10 हाथ नहीं है हमारे, किचन में इतना ढेर सारा काम पड़ा है। अरे माँ का हाथ बटा दोगी तो हाथ टूट जाएंगे तुम्हारे। जाओ जाके छत पे कपड़े सुखा करा, और आप बस पानी देते रहिए। चलिए उठिए, काम पे जाने का टाइम हो गया, देरी हो जाएगी। और तुम मैडम ये भी नहीं देखा कि चाय चढ़ाई हुई है? चाय में कम से कम चाय पत्ती डाल दे। वाओ, न्यू हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लग रही है, लगता है नाराज है। अरे मैं क्या बात ही नहीं करेगी क्या? रिया जी
वैसे आपको कल बताया था ना कि शालू की किटी होती है 4 से 6, क्या ख्याल है तोड़ा? अरे दिया जी, अरे चड्डा जी, आप ये घर के अंदर क्यों नहीं पढ़ते हैं? छत भी बहुत फड़फड़ाता है ना, पेपर नहीं, हवा बहुत चल रही है ना यहाँ पे। अरे शालू, तुम अपने मिस्टर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो, घर के अंदर कहा करो इन्हें पेपर पढ़ने के लिए। छत पर अपने पेपर की तरह ये भी बहुत लहराते हैं। चड्डा जी को तो मैं देख लूंगी मिसेस माथुर, आप ना अपनी कुड़ी का ध्यान रखो, रोज छत पर आती है ऐसी कुंवारी नौ सौ जवान लड़की को ना नजर लगते देर नहीं लगती। ना 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 ना, दिया का तो लोड तुम लो ही मत, माता रानी ने उसे ऐसा चोखा रंग दिया है कि अच्छे अच्छों की नजर बेअसर हो जाती। चलो जी, नाश्ता तैयार है, देर नहीं हो रही आपको? काफी देर हो गई है। हमने ठीक किया ना? तुम्हारा जब मन करे ना, तुम छत पर आ जाना, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा भी नहीं, और ना ही कोई घूरने की हिम्मत भी करेगा। हम है ना? हैप्पी बर्थडे बेटा। दिया दी, जल्दी नीचे आओ, जानवी दी आए हैं। जल्दी चलो। जानवी दी, कितने दिनों बाद आए हो? जस्ट बिकॉज वीडियो कॉल पे फेस दिख जाता, आपने तो आना ही छोड़ दिया। ओ गॉड पलकी, प्लीज अपना कंप्लेन रजिस्टर ना अपने जीजू को बका, मैं तो इन पे डिपेंडेंट रहती हूँ। लो जी, माई के आकर बीवी ने तो पार्टी बदल ली। अरे भाई, मैंने कब रोका? ने नहीं रोका, पर डिपेंडेंट तो तुम भी रहती हो ना, कल तुम अपनी कार से मुझे ड्रॉप करो, वरना तुम रोज रोज चली आओ। कार चलाना सीख लो। दिया दी, हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दिया दी, आपके बाल कितने सही लग रहे हैं ना, लुक सो फैब, कल ही कटवाए इन्होंने। अरे अगर हंसी टिटोली खत्म हो गई हो तो कुछ काम करें। जा दिया, जरा चाय बना के ला। नहीं मम्मी, मैं तो जानवी को ड्रॉप करने आया था, शाम को ले जाऊंगा, अभी रुको तो लेट हो जाऊंगा। ऐसे कैसे, इतने दिन बाद आए और रुकोगे भी नहीं? हम तो नहीं जाने देंगे। मम्मी, इन्हें एक्चुअल में बहुत सारा काम है, हम तो कल ही आने वाले थे, पर फिर हमने सोचा आज आ जाते हैं, क्योंकि दियादी का बर्थडे भी आ जाए। और फिर एक खबर भी सुनानी थी आपको। क्या खबर? सब ठीक है ना? हाँ। सच्ची? अरे एक सेकंड, कोई हमें भी कुछ बताएगा? लो, ये अभी तक नहीं समझी। दिया दी, आप भी ना। सच में? Oh my God, congratulations! Thank you. और अमित, बेटा मम्मी पापा से ये खुशी संभल रही है कि नहीं? अब पूछे मत मम्मी, मम्मी की तो स्माइल ही नहीं रुक रही है, फोन करके सभी को गुड न्यूज़ दे रही है, कहती है कि अच्छा हुआ 30 के पहले हो गया, वरना बाद में तो यार क्या सस्पेंस है, कोई मुझे भी बता दो। बुद्धू, तू कुछ नहीं समझती? हाँ हाँ, ले लिया 2 किलो काजू कतली और 1 डजन रसमलाई। अरे लाल पन्नी थी नहीं उसके पास, कोई बात नहीं, ऐसे ही दे। हाँ रखो फोन हमारे। दिया के पापा वो जानवी के ससुराल भेजनी है ना, इसीलिए परेशान हो रहे थे। बात तो रही, जानवी की जब से ये खबर सुनी है ना, मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया है, सच बता रही हूँ मैं आपको। पर ना आपने ना जब उसकी गोद भराई करनी है ना, तो मेरे को ना मोटे मोटे टॉप्स देने हैं इस बार गिफ्ट में, और ज्वेलर मैं बताऊंगी आपको। तो भूल गए आप, उसके लिए अमित का रिश्ता मैं ही ढूंढ के लाई थी। अरे हम कहाँ भूले हैं, और मना किया है तुम्हें कभी? लेकिन ना किसी को बताना नहीं ना, अभी
वो 3 महीने तक नजर लगने का खतरा रहता है ना। अब तुम तो अपनी हो, तुमसे क्या छिपाना। अपनी हूँ इसीलिए तो आपकी तीनों बेटियों को अपनी बच्चियों जैसा समझती हूँ कि नहीं है। और मोहल्ले की औरतें जब बात कर रही थी ना दिया के बारे में, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये साल खत्म होने से पहले पहले ना अपनी दिया के हाथ भी पीले हो जाए सच्ची। अरे हम भी यही चाहते हैं, लेकिन माता रानी कोई अच्छा लड़का दिखाए तो ना। ओ बाय फिर। और निम्मी जहर, ओ माता रानी को अपने कामों में बिजी रहने दो। और निम्मी है ना, वो सब संभाल लेगी, क्यों टेंशन लेते हो आप। इस बार ना इतना टॉप क्लास रिश्ता ढूंढ के लाई हूँ ना अपनी दिया के लिए, इतना टॉप क्लास रिश्ता ढूंढ के लाई हूँ, आप सुनोगे ना तो खुशी से झूम उठोगे। मैं बता रही हूँ आपको है? इतने बड़े घर का रिश्ता है, इतने अच्छे घर का रिश्ता है, पता है लड़का मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करता है। हाँ सच? और उसकी उम्र भी कुछ ना 34-35 के करीब है। हाँ आप कहते हो तो बात चलाऊं मैं दिया के लिए वहां। कहोगे तो चलाऊंगी, नहीं तो नहीं चलाऊंगी, बताओ। अरे कहाँ, बच्चे तो अपनी मन की करते हैं ना, हमारी सुनता ही कौन है। और वैसे भी 2 साल से तो उसने वो मिलने मिलाने पे बैन लगाया हुआ, कहती है शादी नहीं करेगी। अच्छा? अब ऐसे कोई करता है भला? हमको नहीं लगता वो मानेगी। तो मनाओ उसको, वो जानवी भी माँ बनने वाली है अब तो। दिया क्या सारी उम्र सुनी गोद लेके घूमेगी, अच्छी लगेगी। बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ बस हो गया अभी। दिया दी आप समझ गए थे क्या? और नहीं तो क्या, मतलब मेरी बत्ती देर से चली। यस हमारी क्यूट टू बल्कि दी, पेट तो आपका बड़ा ही नहीं। करीना को देखा था आप लोगों ने तैमूर के टाइम पे, अब मुझे कैसे पता चलता? वो करीना का 7th month था। Exactly. हमारी जानवी का 1st month है और इतनी जल्दी पेट नहीं निकलता है, मुझे कुछ नहीं पता है। जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है। पलकी ठीक ही तो कह रही है, मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है, तू बता कैसा लगता है। Must be a special feeling, na? It's a super feeling, Riyadi. I'm so excited. I'm so happy. पता है, मेरे को ना बिल्कुल मेरे जैसी baby चाहिए. Like mini me. और smile बिल्कुल मेरे जैसी होनी चाहिए. माथो उसके जैसे. अरे मैं आपको ये चीज दिखाती हूँ. दिखाओ. ये देखो. बल्कि stripe. Oh wow. रिश्ता. निमी आंटी लेकर आई हैं. हाँ. और लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, अच्छा खासा कमाता है और अच्छा खासा दिखता है। मम्मी लड़के पहले भी बहुत आए थे, क्या हुआ था तभी? फिर से हुई एग्जीबिशन, फिर से हुई रिजेक्शन। और ये क्या बार बार आप सेम टॉपिक लेके बैठ जाते हो? पापा प्लीज इन्हें आप समझाइए। अरे क्या पापा से अपनी पैरवी करा रही हो? हो सकता है वो तुम्हें कुछ ना कहते हो, लेकिन अकेले कमरे में जब वो हमसे कहते हैं ना कि अंजू हमारे जाने के बाद दिया का क्या होगा, वो अकेली पड़ जाएगी, उनकी आंखों की वो नमी हमने देखी है। मम्मी क्या फिर से हम चले जाएंगे तुम अकेली रह जाओगी वाला इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो? और जानवी है, पलकी है, जॉब है मेरी, मेरे दोस्त है, मैं अकेली कहाँ हूँ? हाँ मम्मी आप भी ना कुछ भी कहते हो, हमारे रहते दिया अकेली कैसे रह जाएगी? तुम चुप करो, तुमसे बात कर रहे हैं हम, नहीं ना चुपचाप खाना खाओ। देखो दिया एक समय के बाद ना ये सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, फिर वो चाहे अपने परिवार वाले हों या दोस्त, फिर वो बस फोन उठाकर और सुनाव भर का रिश्ता रह जाता है। काम से थक हार कर जब घर आओगी तो क्या दीवारों से बातें करोगी, उनसे अपना दुख सुख बांटोगी? मम्मी प्लीज। क्या मम्मी प्लीज, जानवी की खुशखबरी सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा हो, या फिर सारी जिंदगी ऐसे ही अकेले सोनी गोद लेकर रहना चाहती हो? अरे क्या सही तो कह रहे हम। हाँ हो सकता है कि मेरे अपने बच्चे ना हो, पर जरूरी तो नहीं माँ का प्यार फील करने के लिए अपने बच्चे पैदा करने हो। मैं पलकी और जानवी के बच्चों की मासी बनके भी तो वो प्यार फील कर सकती हूँ ना। माँ और मासी इसमें सिर्फ शब्दों का नहीं जज्बातों का भी फर्क है बेटा। बहन के बच्चे जो होते हैं ना वो हमेशा बहन के ही बच्चे रहते, अपने नहीं होते।
और इस तरह तुम मुंह घुमा लोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ पाएंगे? माँ हम तुम्हारी, हर माँ को पता होता है उसके बच्चे का दुख, उसका दर्द और उसकी ख्वाहिशें। प्यार और परिवार का सुख तुम्हें भी चाहिए, बस तुम्हारा ये जो डर है ना तुम्हें तुम्हारी खुशियां पाने से रोक रहा है। बोलो ना बेटा, शादी के लिए हाँ बोलोगी ना, मिलोगी ना उससे? कहेंगे कि नाराजगी मम्मी से है तो खाने पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो, पर मुझे भूख नहीं है पापा। मैंने कहा कुछ कहा? मैं तो ये अपने खाने के लिए लाया था, खा सकता हूँ यहाँ बैठकर, मतलब अगर आपकी परमिशन हो तो। पापा मम्मी क्यों फिर से उस अरेंज मैरिज की पेनफुल प्रोसेस को दोहराना चाहती? फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, वही रिजेक्शन, वही ह्यूमिलिएशन, सिर्फ इसलिए कि मेरा रंग साफ नहीं है। आप प्लीज उन्हें मना कर दो, मुझसे नहीं होगा। तुझे क्या लगता है, मैं समझता नहीं तेरे मन पे क्या गुजरती है? इतने सारे रिश्ते, हर बार एक नई उम्मीद, और फिर हर बार उस उम्मीद का टूटना। तेरी माँ ने जो कुछ कहा वो तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा, वो तो बस तुझे चेताना चाह रही थी ताकि आगे जाकर तुझे कभी अपने शादी कभी ना करने के फैसले पर पछताना ना पड़े। क्योंकि अक्सर हम सही समय की अहमियत उसके बीच जाने पर ही समझ पाते, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्या एक चांस दे सकती है बेटा अपनी मां की खातिर? हर बार जब भी तुझे रिजेक्शन का धक्का लगा तेरी मां का दिल भी टूटा, चोट तेरे मन को लगती थी और दर्द उसे होता था। तुम दोनों के दर्द को मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता, पर तेरी शादी की चाहत में मैं उसकी वो जिद देख सकता हूं कि तुझे भी तेरे हिस्से का प्यार मिले, खुशियां मिले। सच कहूं तो तेरी मम्मी को लगता है कि उसकी कोशिशों में शायद कोई कमी रह गई कि अब तक तेरी शादी नहीं हो पाई। एक और कोशिश करना चाहती है, बस एक आखिरी कोशिश, उसे एक आखिरी मौका दे दे बेटा, उसके बाद तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, प्रॉमिस। बोल बेटा, देगी ना एक आखिरी चांस? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।